So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोकल अकाउंट लगा करके मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं अपने सस्ते लॉन्चर में। जी हाँ, हम इसको सस्ता लॉन्चर कहकर बुलाएंगे क्योंकि जैसे इसका रियल नेम लेते हैं तो YouTube पीछे से स्ट्राइक मार देता है। बाकी अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हम सस्ता लॉन्चर ही कहकर बुलाते हैं। और साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्लेयर पे कस्टम स्किन, कस्टम यूजर नेम, जो भी नाम चाहो वो लगा सकते हो। मतलब बिल्कुल प्रीमियम जैसा फील दूंगा। और जावा वाले जितने भी सर्वर हैं, हाई पिक्सल से लेके सब कुछ, ऐसे जितने भी सर्वर हैं आप अपने फोन से ही लॉगिन कर सकते हो, फोन से ही ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, आप एक प्रोफेशनल SMB बना करके वो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे स्टेप्स में आपको A to Z बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। बहुत ही बारीक बारीक स्टेप्स हैं तो उनको जरूर से देख लेना, नहीं तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे, लाइक क्रैश होना गेम का, सर्वर में ज्वाइन ना हो पाना और बहुत सारे हजारों ऐसे एरर्स आ जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप दोस्तों इसका जो आता है वो ये है कि अपना जो ये सस्ता लॉन्चर है इसकी सेटिंग्स कर लेनी है, इसको सेटअप कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत तगड़ा रिस्पांस भी आया है, तो उसको जाकर के जरूर देख लो। उसमें मैंने फुल A to Z इसकी सेटिंग्स बताई है, तो उसको जाकर के देख लेना एंड उसको बिल्कुल जैसे मैंने बताया फॉलो कर लेना। और अगर उसमें कोई एरर आया होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में उसकी वीडियोस भी दे रखी होंगी कि कोई एरर आया है तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। सो हाँ, अपने सस्ते लॉन्चर को जैसे मैंने बताया वैसे सेटअप कर लेना। ऊपर आई बटन में वीडियो है तो उसको देख लेना। तो गाइस, मैं मान लेता हूँ कि आपने सारी सेटिंग्स कर ली है, सस्ते लॉन्चर की सारी सेटिंग्स आपने बिल्कुल ठीक की हैं वो वाली वीडियो देख करके। तो हाँ, अभी आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि आप कैसे उसमें अपने अकाउंट को, एक प्रीमियम अकाउंट को लगा सकते हो विद योर कस्टम यूजर नेम। सो प्रीमियम अकाउंट बनाने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है टी लॉन्चर। इतना सर्च कर लेने के बाद आपने क्या करना है, पहले नंबर पे आपके पास एक साइट आ जाएगी, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक नया अकाउंट बनाना है, यहां पे लिखा होगा साइन अप। सेम स्टेप आपने अपने फोन में भी कर लेने हैं, सेम ऐसे ही खुलेगी वेबसाइट, वहां पे भी ऐसे ऑप्शन आएगा साइन अप का, तो वहां पर जाकर आपने साइन अप कर लेना है। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई भी ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर अकाउंट बनाने में, बहुत आसानी से यहां पे अकाउंट बन जाएगा। सो गाइस, यहां पर अभी आपने क्या करना है, यहां पर अपना एक ईमेल डाल देना है, जैसे कि मैं यहां पर एक ईमेल डाल देता हूं एंड यहां पर अपना एक पासवर्ड डाल देना है। पहले यहां पे पासवर्ड डालना, देन यहां पे कंफर्म कर देना पासवर्ड, और लॉगिन वाले सेक्शन में आपको अपना यूजर नेम डालना है। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं, ये यूजर नेम डालने के बाद यहां पर मैं पासवर्ड भी डाल देता हूं एंड यहां पर आपको क्लिक कर देना है आई एम नॉट रोबोट पे। देन उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मेरा सक्सेसफुली एक अकाउंट बन चुका है ओ यूट्यूबर 500 के नाम से। सो अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे एक ये मेरा यूजर नेम हो चुका है, तो यहां पर आपका एक माइनक्राफ्ट का अकाउंट बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सस्ते लॉन्चर में चले जाना है, वहां पर ऊपर आपको एक आएगा अकाउंट ऐड का, तो वहां पे आपने अपना अकाउंट ऐड करना है। वहां पे एक और ऑप्शन आएगा लोकल अकाउंट का, दो ऑप्शन आएंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और लोकल अकाउंट। आपको क्या क्लिक करना है, लोकल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। देन वहां पर आपने क्या करना है, ये जो यूजर नेम हमने बनाया है ओ यूट्यूबर 500 नाम से, तो इसको वहां पे हम डाल देंगे एंड ऐड कर लेंगे, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अभी बात आती है कि हम कैसे इसमें स्किन्स को ऐड कर सकते हैं, अपने कस्टम स्किन। अभी यहां पर हमने कस्टम यूजर नेम तो डाल दिया है जो कि हमारा यही दिखेगा, मल्टीप्लेयर में भी सामने वाले को हमारा यही यूजर नेम दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक प्रीमियम अकाउंट बन रखे, तो मैं वो वाले लॉगिन करके अभी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आप सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। तो गाइस, मल्टीप्लेयर खेलने के लिए सबसे पहले आपको अपना सस्ता लॉन्चर को लॉन्च कर लेना है। देन उसके बाद आप अपना कोई भी वर्जन को चूज कर लेना, ठीक है, अपने वर्जन के अकॉर्डिंग उसको खोल लेना। देन माइनक्राफ्ट में आने के बाद, उसमें आने के बाद, लॉन्चर में आने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लेयर पे क्लिक कर देना है। देन वहां पर पे आपको एक ऑप्शन आएगा एक डायरेक्ट कनेक्शन का और ऐड सर्वर का। डायरेक्ट कनेक्शन से क्या होगा, आप IP डालोगे, सीधा आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन ऐड सर्वर, मैं कहूंगा ऐड सर्वर करके देख लो आपकी कैसे पिंग वगैरह आई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास मेरा खुद का एक जावा खुद का सर्वर है, मतलब खुद का बनाया हुआ प्राइवेट सर्वर है। यहाँ पर उसकी मैं यहाँ पे IP डाल दूंगा एंड उसका नाम जो भी रखना चाहो वो रख लूंगा एंड उसको ऐड करके रख लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने सर्वर ऐड किया है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली से यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना, अगर आप टी लॉन्चर के अकाउंट बनाकर लोकल अकाउंट से यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर जो सर्वर हो वो क्रैक्ड सर्वर होने चाहिए, ठीक है, माइनक्राफ्ट के क्रैक्ड सर्वर होने चाहिए। अगर एटरनोस में खेल रहे हो, एटरनोस में एक सेटिंग होती है
एडन हाउस में ऐसे सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर मिलता है हमें करेक्ट सर्वर ऑन का, ठीक है, वहां पे उस बटन को ऑन जरूर कर लेना, देन ही आप ज्वाइन हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, करेक्ट सर्वर ओनली ज्वाइन कर सकते हो। अगर हाई पिक्सल वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास बाय माइनक्राफ्ट जिसपे बाय हो वो वाला एक प्रीमियम अकाउंट चाहिए, तो फिर आप उसमें हाई पिक्सल भी ज्वाइन कर सकते हो अपने फोन के थ्रू ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हाई पिक्सल के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट तो चाहिए रहेगा क्योंकि उसके बिना तो लॉगिन होगा ही नहीं। बाकी अगर आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो ऐसे एक करेक्ट सर्वर बना लो एटरनॉस पे, देन उसके बाद यहाँ पे आईपी डालो, देन अपने दोस्तों को भी बांट दो आईपी, देन सभी के सभी लोग एक जगह आके खेल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मेरे पीसी की स्क्रीन में ये एक ही सर्वर है जो पीसी में भी चल रहा है और मोबाइल में भी, सिर्फ जावा पे है ये वाला, ठीक है। एंड मेरी यहाँ पर आप देख सकते हो स्किन भी दिख रही है जो मैंने लगाई थी येलो वाली, एंड यहाँ पर मेरे पीसी में भी ये बहुत ही आराम से चल रहा है, देखो बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पे फेक वगैरह नहीं है। आप खुद भी ट्राई करके देखना, ये 100% वर्क करेगा ही करेगा। बाकी अगर आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं सर्वर को ज्वाइन करते हुए तो मैं क्या कहूंगा, आप अपने क्या करो जो सस्ता लॉन्चर इसको रीस्टार्ट कर लो, बंद करके चला लो, या किसी और कनेक्शन पे इसको स्विच करके देखो, क्योंकि दिक्कत आएगी आपके मोबाइल के इंटरनेट से। आपका इंटरनेट बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए फिर कोई एरर नहीं आएगा, अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो हुआ या कैसा भी हुआ तो एरर आ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा डाटा पे चला करके देखना, अगर डाटा पे नहीं चल रहा है देन उसके बाद वाईफाई पे स्विच करके देना या हॉटस्पॉट पे स्विच करके देखना, उसके बाद आप उसको ट्राई करना ज्वाइन करने का, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था, ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे एसएमपी बना सकते हो और अपने फोन में आप सीधा खेल सकते हो जावा के सर्वर्स। तो बस यही था कैसे आप सस्ते लॉन्चर में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।